नाम तो ऐसा बनाऊंगी कि आप अपना नाम भूल जाएंगे। मेरा नाम याद रखिएगा, साई ली। साई ली बाबा, क्या इसका नाम? जो है उसके नाम से अनजान, कैसे देगा उसे सपनों की उड़ान। आज मंदिर में भगवान को पहला कार्ड देने से अजीब सी शांति महसूस हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका आशीर्वाद मिला हो हमें। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको अच्छा लगा। वैसे आपके बेटे वरुण के कपड़ों के लिए एक बहुत ही फेमस डिजाइनर है, वही सारे कपड़े डिजाइन करेंगे। ओके। और शाम को कोरियोग्राफर भी आ जाएगा संगीत के सारे डांस रिहर्सल्स करवाने के लिए। प्रीति जी, देव की चाय में शुगर मत डालिए, इन्हें डायबिटीज है। मीरा के आगे जब मैं आज तक टिक गया तो डायबिटीज मेरा क्या बिगाड़ लेगी? डालिए ना शक्कर। आप ना मीठी मीठी बातों से ही काम चला लीजिए, शुगर नहीं डलेगी। खुद तो अपना ख्याल नहीं रखते, मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ठीक है, मैं नहीं डालूंगी शुगर। थैंक यू। आपको लग रहा होगा कि जब हम पहली बार मिले थे तो हर बात पे लड़ रहे थे, है ना? पर आज कई सालों बाद पहली बार हमारी पूरे दिन में एक भी लड़ाई नहीं हुई, और ये सब आपकी वजह से हुआ है प्रीति जी। थैंक यू। वैसे वेडिंग के लिए जो फोटोग्राफर्स है वो मुंबई से बुलवाए हैं। ओके। ओह लवली। तीन चार ऑप्शंस हैं, उनमें से हम लोग किसी को फाइनलाइज करेंगे। और बुलवा लेंगे। एक्चुअली उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो भी हमने मंगवा लिया है, सो आई थिंक। माफ कीजिएगा, एक अर्जेंट कॉल है, मैं अभी आती हूँ। श्योर। प्रीति जी, आप हमें होटल अरेंजमेंट्स के बारे में बता दीजिए ना। जी, I'm sorry। होटल अरेंजमेंट्स? जी हाँ, वो सॉरी, अर्जेंट था। इट्स ओके। सो होटल अरेंजमेंट्स में किरी जी भी आप ही ने रूल बनाया था, काम के वक्त सिर्फ काम। मैं क्या कह रही हूँ? हम वरुण को मिलके आए। हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ जी जी। See you. ये आज अचानक इतने सारे कॉल्स कैसे आ रहे हैं आप? फोन दीजिए। और ये LCR, इस नंबर से आपको इतने सारे कॉल्स क्यों आए हैं प्रीति जी? कौन है? क्योंकि आपके सारे जानकारों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इन्हें नहीं जानता हूं। कौन है ये? कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कभी आपसे इतने सवाल करती हूँ क्या? जब आप पूरे दिन फोन पे लगे रहते हैं, मैं कुछ पूछती हूँ क्या आपसे? नहीं ना। तो प्लीज ये इंक्वायरी करनी बंद कर दीजिए ना। और मुझे फोन क्यों नहीं आ सकते? मुझे फोन आ सकता है, मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है, इसलिए प्लीज मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा है, चलाइए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। जी, मैंने तय कर लिया है। मैं तैयार हूं। मैं अपने आने की टिकट की डेट्स आपको मेल करवा देती हूँ। It's not easy. Yeah, हो जाएगा. प्रीति जी का फोन फिर से बज रहा है। कौन है इतना बेसब्रा जिसको प्रीति जी से अभी इसी वक्त बात करनी है? यार देखूं कौन है? मैं शक्की नहीं हूं, लेकिन मुझे देखना होगा कि प्रीति जी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। मैं भी आप लोग केटी जी, ये मेरा फोन आपके पास कैसे? मेरे पास नहीं था, नीचे था तो ये नीचे। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए घर। आज मैं घर नहीं आ रही, आज मैं कुसुम के यहाँ जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए ना किसी से मिली नहीं, जूही भी बोल रही थी मिलने के लिए, तो इसलिए। ठीक है, आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आपका मन करे तो चाहिए। आप वैसे भी अब मुझे आपको आपकी जिंदगी आपके हिसाब से जीने देनी चाहिए। मेरी तो यहीं पे जगह ही है। खाना खाया होगा कि नहीं प्रीति जी ने, पूछ लेता हूं। एलसीआर, फोन करके पूछ तो लूं, लेकिन फोन करने का मतलब ये होगा कि प्रीति जी की जासूसी कर रहा हूं। ये ठीक नहीं होगा। फोन नहीं किया तो चिंता में रहूंगा, बात करके देख लेता हूं ना एक बार। हेलो, हाय, मैं मिसेस प्रीति डिब्रेवाल के यहाँ से बोल रहा हूँ जी। इस नंबर से उनको आज बहुत सारे कॉल्स आए थे, क्या मैं जान सकता हूँ किस सिलसिले में थे? और आप बोल कहाँ से रहे? मुंबई। मुंबई? और वेडिंग प्लानिंग कंपनी मायू श्योर प्रीति जी ने जॉब के लिए अप्लाई किया कितने दिन में? ओके, थैंक्स। प्रीति जी ने मुंबई में किसी वेडिंग प्लानिंग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। 20 दिन में चले जाएंगे। मुझे और शादी मुबारक को छोड़कर चले जाएंगे। मुझे फोन क्यों नहीं आ सकते? मुझे फोन आ सकता है। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने दीजिए। हम प्रोफेशनल्स बने रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।